नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं फास्ट समाचार। कोरोना के खौफ के बीच पुलिसकर्मी अपनी जान की परवाह किए बगैर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लगातार सड़कों पर मुस्तैद हैं और लोगों से अपने अपने घरों में रहने की अपील करते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच लोगों द्वारा लॉकडाउन के उल्लंघन के कारण भी कई बार पुलिस को सख्ती भी करना पड़ती है, जिसके चलते न केवल उन पर आरोप लगते हैं बल्कि कई तरह के गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में कई पुलिसकर्मी भारी तनाव में दिखाई देते हैं। इसी माहौल को लेकर अशोकनगर पुलिस अधीक्षक रघुवंश भदौरिया ने एक बार फिर एक शानदार कविता लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें गर्व है अपनी खाकी वर्दी पर। देखिए किस तरह इन्होंने आज की पुलिस की वास्तविक स्थिति को पंक्तियों के माध्यम से चरितार्थ किया है। आज हमें गर्व है पुलिस वाला होने का, जन सेवक और जन जन का प्रथम रक्षक होने का। वैसे तो वाह सुरक्षा के लिए सेना की तरह हम पर भी आंतरिक सुरक्षा का भार है, पर निजी स्वार्थ व पक्ष विपक्ष की राजनीतिक चक्रव्यूह में हम पर लगे कई कलंक हैं। लापरवाही, विद्वेषता, कभी तानाशाही तो कभी विवशता का आरोप है। पर आज करुणा संकट की घड़ी में हम गर्व से खड़े हैं, जनता और करुणा के बीच प्रथम दीवार बनकर। सारे कलंक, आरोपों, स्वार्थों को मिटाकर आज हम सड़क पर हैं, पहला जन जन का सेवक बनकर। आज भी हमारे हाथ में डंडे हैं, पर जनता पर प्रहार के लिए नहीं, बल्कि जनता और करुणा प्रहार के बीच मजबूत ढाल बनकर। आज दरवाजे बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं, पर हमारे भय से नहीं, बल्कि हमारी देश हित और जनहित के संकल्प को देखकर। आज हम घर से बाहर तैनात हैं, अपना परिवार और सभी स्वार्थ छोड़कर। वतन पर मरने को तैयार हैं, निष्काम कर्म योद्धा बनकर। आज हमें गर्व है अपनी इस खाकी वर्दी पर, भारतीय सेना की तरह भारतीय पुलिस बनकर। जय हिंद।